हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्षेत्रफल पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो सवाल हम देखने वाले हैं ये सवाल पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जा चुके हैं, तो सवाल को दोस्तों अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर दिया जाएगा। तो बिना देर किए दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो इस खेत का परिमाप कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दिया दोस्तों आपको, 3:2। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, पहले तो यहाँ पर एक आयत दोस्तों आप बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक आयत मैं बना देता हूँ, ये आयत है दोस्तों, ये होती है इसकी लंबाई और ये होगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, अनुपात क्या दिया हमें, लंबाई का अनुपात दिया है 3 और चौड़ाई का कितना दिया है दोस्तों, 2 दिया है। क्लियर दोस्तों, और आपको दिया है दोस्तों कि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 40 मीटर कम है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का दोस्तों अंतर दे दिया गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों आगे इसको, हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं दोस्तों, लंबाई को आप मान सकते हैं 3x और चौड़ाई को आप मान सकते हैं 2x। क्लियर है, क्या मान सकते हैं हम, यहाँ से इसको मान लेंगे 2x और इसको मान लेंगे दोस्तों 3x, अनुपात ये हमें दिया है 3 और 2 में, तो हम मान लेंगे कि माना इसकी चौड़ाई जो है वो 2x है और लंबाई जो है वो कितनी है दोस्तों, 3x है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, अब आपको दे दिया उसने यहाँ पर इसका अंतर कि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है, इसकी जो लंबाई दोस्तों इसकी चौड़ाई से कितनी कम है, 40 मीटर कम है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 40 मीटर कम है, तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों कि इनका अंतर कितना है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 3x में से दोस्तों आप क्या कर लेंगे, 2x माइनस कर लेंगे, इसकी लंबाई में से क्या करेंगे हम, चौड़ाई को माइनस कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, उसने दे दिया है कि 40 मीटर कम है। क्लियर है, इनका अंतर कितना है, अनुपात में अंतर कितना है दोस्तों, 1 का है और मीटर में कितना अंतर दिया है, 40 दिया है। क्लियर है, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, x बराबर दोस्तों निकल के आ जाएगा 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के दोस्तों आपकी, 40 निकल कर आई है। तो अब दोस्तों आप बता सकते हैं कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप क्या करेंगे x की जगह 40 रख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, 40 निकल कर आई। क्लियर दोस्तों, क्या करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2×40, तो ये जो इसकी चौड़ाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80 मीटर। क्लियर है, अब वैसे ही दोस्तों इसकी लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई कितनी मानी हमने, 3x मानी है, तो क्या करेंगे, 3×40 करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, 40 है। क्लियर है, गुणा कर लीजिए इसका, ये हो जाएगा 4×3 = 12, यानी कि 120 मीटर, और ये जो चौड़ाई हो गई इसकी वो कितनी हो गई दोस्तों, 80 मीटर। अब दोस्तों यदि ये 80 मीटर है और ये कितना है दोस्तों, 120 मीटर है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यदि ये 80 मीटर की है तो ये भी कितने की होगी दोस्तों, 80 मीटर की होगी, और ये 120 मीटर की दोस्तों, तो ये कितने की होगी, ये भी 120 मीटर की होगी। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल में पूछा गया है कि इस खेत का परिमाप कितना होगा, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आयत के जो परिमाप का सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देख लेते दोस्तों फॉर्मूला इसका, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दोस्तों आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, परिमाप का अर्थ क्या होता है, इन चारों भुजाओं की लंबाई, या तो आप इन चारों को टोटल कर लीजिए, 120 में 80 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 में फिर 120 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 320 में फिर 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 400, तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल के आ सकता है दोस्तों, लेकिन आपको फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका आयत के परिमाप का, 2×लंबाई + चौड़ाई, ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में मान पुट करेंगे दोस्तों, 2×लंबाई कितनी है दोस्तों, 120 मीटर है, प्लस चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 80 मीटर है, तो यहाँ से दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा, 120 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दो बाहर लिखा वैसा का वैसा, 120 में आप 80 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200,
और 200 में दोस्तों आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका बराबर में 400, और ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी कि उस आयत का जो परिमाप होगा वो कितना होगा दोस्तों 400 मीटर होगा। क्लियर दोस्तों, आप चाहें तो बिना सूत्र लगाए भी इसको बता सकते हैं कि इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, ठीक है, इन चारों भुजाओं के मान को आप जोड़ दीजिए। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से भी आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। आपको जो विधि अच्छी लगे दोस्तों उससे आप सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको सूत्र भी समझाना था इसलिए मैंने आपको सूत्र विधि से इसको करके बताया, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खेत का जो परिमाप होगा वो कितना होगा दोस्तों 400 मीटर। आशा करूंगा दोस्तों आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप कितना होगा ये आपको बताना है। लेकिन आपको सवाल में इस बार क्या दिया है दोस्तों, आयत की एक तो लंबाई आपको दे दी है और एक विकर्ण की लंबाई दे दी, आपको चौड़ाई दोस्तों नहीं पता है, ठीक है, और आपको बताना है कि आयत का परिमाप कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक आयत बनाएंगे, क्लियर है, आपको एग्ज़ाम दोस्तों नहीं बनाना है, डायरेक्ट करना है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। आयत दिया है, उसकी लंबाई कितनी दी है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, और विकर्ण दोस्तों आपको दे दिया है इसका कितना 10 सेंटीमीटर, कितना दे दिया दोस्तों विकर्ण 10 सेंटीमीटर दे दिया है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, कैसा बन रहा है दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी, क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमें इसमें निकालना क्या है दोस्तों, इसकी लंबाई हमें पता करनी, चौड़ाई इसकी क्या होगी, तभी तो हम इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप कैसे निकालते हैं, इन चारों को जोड़ के निकालते हैं, लेकिन इन दोनों की लंबाई तो आपको पता है, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है, लेकिन इसकी दोस्तों आपको लंबाई नहीं पता है, तो उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक प्रमेय होती है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, समकोण त्रिभुज में लगने वाली प्रमेय होती है एक पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या होती है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्लियर है, ये प्रमेय होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर आपको साइड में फोटो बना के बता देता हूँ मैं इसका, इसको अगर आप देखें तो ये कैसा बनेगा दोस्तों, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। इसका जो विकर्ण आपको दिया दोस्तों, ये तिरछी लाइन जो दी है विकर्ण, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसका जो लंब दिया है ये कितना है 8 सेंटीमीटर, लेकिन अभी हम बताना क्या है कि इसका जो आधार होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप मान पुट कर लीजिए दोस्तों, कर्ण का वर्ग आप तो दिया है, कर्ण की वैल्यू कितनी है आपसे हमारी 10 है, तो 10 का वर्ग कर दीजिए दोस्तों बराबर लंब का वर्ग, लंब आपको पता है कि दोस्तों कितना है, जी हाँ पता है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग कर देंगे, क्लियर है दोस्तों। प्लस आधार की वैल्यू दोस्तों आपको पता है क्या कितनी है, नहीं पता है, आधार तो हमें बताना है, तो आधार को आप वैसा का वैसा लिख देंगे आधार का वर्ग, क्लियर दोस्तों। अब सिंपल से इसको बस हल कर लेना है, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों, 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 100 होगा बराबर 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 8 × 64 प्लस ये हो जाएगा आपका आधार का वर्ग वैसा का वैसा, ठीक है दोस्तों। अब सिंपल सा इस 64 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 100 में से माइनस, प्लस का है पक्षांतर होकर जाएगा, तो काय का हो जाएगा 64, इधर माइनस का हो जाएगा, 100 में से दोस्तों आप 64 घटाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको कर रहा हूँ समझ लीजिए, एक स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्लियर है। 100 में से आप 64 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 36 बचेगा, और 36 बचेगा तो दोस्तों इसको 36 को मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, 36 बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार का वर्ग, क्लियर है। कहाँ से आया दोस्तों 36, 64 का हो जाएगा इधर पक्षांतर, तो 100 में से 64 चला जाएगा, कितना बचेगा 36 बचेगा। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए 36 काय का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग, क्लियर है। वर्ग से वर्ग दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, आधार बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, आधार जो दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्लियर दोस्तों। ये कितना निकल के आ गया आपका आधार 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि इसका जो आधार है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो भुजा है दोस्तों, कौन सी वाली भुजा की लंबाई निकाली हमने, इस वाली की, क्लियर है। कितनी आई ये 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर दोस्तों, तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, क्लियर है। और अब तो हमसे सवाल में पूछा है दोस्तों कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो हम सिंपल सा दोस्तों क्या करेंगे, सूत्र विधि से इससे पहले वाले सवाल में आपको समझा चुका हूँ, इसमें क्या करूँगा मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा, ठीक है। इन सभी भुजाओं की लंबाई को आप जोड़ लीजिए दोस्तों, 8 + 6 + 8 + 6 आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, 8 और 6 = 14, 14 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 28 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? इसका ऑप्शन नंबर सी 28 सेंटीमीटर। क्या होगा दोस्तों? इसका ये परिमाप होगा। तो आशा करूंगा दोस्तों आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको हमारे चैनल पर ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर, देखेंगे हमारा सवाल नंबर 3। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3, बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। पढ़ेंगे सवाल को ध्यान से, क्या दिया है। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। कैसे करना है? सबसे पहले दोस्तों आयत बनाएंगे। क्या करेंगे? एक आयत बना लीजिए दोस्तों। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दे दिया दोस्तों हमें? 5:3, यानी कि 5 क्या है इसकी लंबाई है और 3 क्या है दोस्तों इसकी चौड़ाई है। तो हम क्या मान लेंगे दोस्तों? माना कि इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है दोस्तों? 3x है, और लंबाई क्या मान लेंगे दोस्तों इसकी? 5x मान लेंगे। क्लियर है? अब दोस्तों आपको सवाल में दे दिया गया है कि एक आयताकार मैदान का जो परिमाप है वो कितना है? 480 मीटर। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। क्या होता है दोस्तों? सभी भुजाओं का योग ये परिमाप होता है। तो यहाँ से दोस्तों ये 3x है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई भी कितनी मान लेंगे हम? 3x मान लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों इसकी चौड़ाई कितनी मानी हमने? 3x मानी, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। आमने सामने वाली भुजा आयत में कैसी होती है? बराबर होती है। इसकी लंबाई आपने मानी 5x, तो ये सामने वाली भुजा की लंबाई भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5x हो जाएगी। अब दोस्तों क्या करेंगे? सिंपल से इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 5 13 13 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16x। लेकिन दोस्तों सवाल में क्या दिया है हमें कि एक आयताकार मैदान का जो परिमाप है वो कितना है? 480 मीटर। कितना दिया सवाल में? 480 मीटर दिया है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू दोस्तों निकाल लेंगे। एक्स बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 480/16। 16 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितनी बार कटेगा ये? कटेगा दोस्तों 3 बार। ठीक है, 16 एकम 16 16 3 48 और 0 वैसा का वैसा। दोस्तों एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी? एक्स बराबर आपका निकल कर आया है 30। यानी कि दोस्तों एक्स की वैल्यू 30 निकल कर आई है। तो यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई को कितना माना था दोस्तों? 3x माना था। क्लियर है? कितना माना था? 3x माना था। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 3×30। कितना हो जाएगा? 3×30, यानी कि चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों इसकी मीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? चौड़ाई हो जाएगी इसकी 90 मीटर। लंबाई निकाल देंगे दोस्तों, लंबाई कितनी मानी थी? 5x। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5×30। क्लियर दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 5 3 15 और 0 वैसा का वैसा, यानी कि 150 मीटर। अब दोस्तों आपके पास में लंबाई आ गई है और चौड़ाई भी आ गई है। अब आपको पता होना चाहिए सवाल में क्या पूछा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मैदान कैसा है दोस्तों? आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है। बहुत ही सिंपल सूत्र इसका होता है, आपने पढ़ा होगा सबने। आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ से लंबाई कितनी निकाली दोस्तों हमने? 150 मीटर। क्लियर है? गुणा चौड़ाई कितनी निकाली दोस्तों? 90 मीटर। सिंपल से इनका गुणा कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 15×9=135 और 20 वैसी की वैसी, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वेयर। ये 150 मीटर है, ये 90 मीटर है, तो मीटर मीटर कितना हो जाएगा दोस्तों? मीटर स्क्वेयर हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल में हमेशा कौन सी यूनिट आती है दोस्तों? स्क्वेयर आता है। ठीक है, मीटर स्क्वेयर या सेंटीमीटर स्क्वेयर क्षेत्रफल के साथ में हमेशा लगता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न को घुमा दिया जाता है। एग्जाम में आपको सेंटीमीटर स्क्वेयर भी मिल सकता है ऑप्शन में, और मीटर स्क्वेयर भी मिल सकता है। तो आपको देख के आंसर लगाना दोस्तों कि हमारा सवाल जो सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है। क्लियर है दोस्तों? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 13,500 मीटर स्क्वायर। मैच करेंगे दोस्तों, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करूंगा दोस्तों आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़े दोस्तों, क्या दिया है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, आपसे पूछा है। क्या करना है दोस्तों? एक आयत है, उसकी लंबाई में आपको 10% की वृद्धि करना है, और जो उसकी चौड़ाई है उसमें क्या करना है? 10% की कमी करना है। लंबाई में वृद्धि करने के बाद में और चौड़ाई में कमी करने के बाद में उसके क्षेत्रफल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, हमें पता करना है दोस्तों कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने घटाने पर जो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी कि वृद्धि होगी। तो करना क्या है दोस्तों? बहुत ही शानदार ट्रिक इसकी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिया? एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है। वृद्धि को कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों? प्लस से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वृद्धि को कैसे लिखना है आपको? प्लस से लिखना है।
10, क्लियर है। लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 10 प्लस में लिखा, ठीक है। वो बोलता है कि लंबाई में 10% की कमी होती है, तो मैं यहाँ क्या लिखता दोस्तों, -10 लिखता, ठीक है। अगला पॉइंट क्या दिया है कि चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, दोस्तों यहाँ पर फिर चौड़ाई लिखेंगे, कमी हो रही दोस्तों, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया। क्या दिया है सवाल में कि चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है, कितने की कमी हो रही है दोस्तों, 10% की, ठीक है। वृद्धि हो रही थी तो प्लस का चिन्ह लगाया, और कमी हो रही दोस्तों तो काय का लगाया, माइनस का लगाया। अगर दोनों बार वृद्धि होती दोस्तों तो यहाँ पर दोनों जगह प्लस का चिन्ह आता, दोनों बार यदि कमी होती तो दोनों बार काय का चिन्ह आता, माइनस का चिन्ह आता, जैसे वो बोले वैसे आपको करना है। उसने हमसे बोला कि लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया, उसके बाद में माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि उसने दिया कि फिर 10% की चौड़ाई में कमी हो रही, क्लियर है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इन दोनों का गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है दोस्तों, तो प्लस का 10 और ये माइनस का 10, इनका गुणा आप आपस में करेंगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस का 100 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा दोस्तों, माइनस का 100 निकल के आएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे दोस्तों माइनस का 100, जो भी आपका आंसर निकल के आता है इनको गुणा करने पर। ये दोनों अगर प्लस के होते दोस्तों तो फिर क्या करते हम, 10 गुणा 10 करते तो कितना निकल के आता, 100 निकल के आता। तो यहाँ पर फिर क्या लिखते हम, प्लस का 100 लिखते, क्लियर है। इन दोनों का गुणा आपको करना है दोस्तों, जितना भी निकल के आए वो यहाँ पर लिखना है चिन्ह सहित। दोनों का गुणा किया तो कितना निकल के आया, माइनस निकल के आया, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा जब होता है दोस्तों क्या निकल के आता है, माइनस निकल के आता। तो ये हो गया दोस्तों -100। अब इसको आपको भाग करना दोस्तों काय से, 100 से, क्लियर है। काय से भाग कर देना है दोस्तों आपको इसको, 100 से भाग कर देना है। हर कंडीशन में दोस्तों आपको यहां पर 100 से भाग करना है, चाहे ऊपर कोई भी मानो, ठीक है। ऐसे मतलब नहीं कि यहां पर 100 था इसलिए 100 का भाग लगाया है, यहां 80 होता तो भी 100 का भाग लगाना है, यहां 200 हो तो भी 100 का भाग लगाना है, यहां 50 हो तो भी 100 का भाग लगाना है। यहां पर बटे में भाग काय का लगाना है दोस्तों, हर बार 100 का, क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर आपका क्या होगा, 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस 100 से एक 100 कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, क्यों, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो बचा क्या दोस्तों, ये दोनों तो आपस में कट गए, इससे ये कट जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा यहां पर, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। ये कितनी बार कटा, इससे 1 बार कटा, तो क्या बचा दोस्तों यहां से, माइनस का 1। माइनस काय को डिनोट करता है दोस्तों, वृद्धि को कि कमी को, माइनस डिनोट करता है कमी को, यानी कि उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि अगर हम करें और चौड़ाई में 10% की दोस्तों कमी कर दे, तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, 1% की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। यहां पर प्लस का चिन्ह होता तो क्या आता हमारा, कि 1% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी, लेकिन माइनस निकल के आया तो क्या होगा दोस्तों, कमी होगी। ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों कौन सा वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, 1% की कमी हो जाएगी। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान सिर्फ आपको दोस्तों इतना रखना है कि वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगाना है और कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर करना है इन दोनों का गुणा, गुणा में जितना भी निकल के आएगा उसको यहां लिखना है और भाग कैसे लगाना है, हर बार 100 से, ठीक है। कितना निकल के आया दोस्तों, हमारा आंसर -1, यानी कि 1% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। आशा करूंगा दोस्तों आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसको सवाल समझ में नहीं आया दोस्तों, तो इस टाइप का एक और सवाल मैं आपको समझाने वाला हूं, उसको आपको ध्यान से समझना है, ताकि इस सवाल में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपका डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5, उसी टाइप का सवाल है दोस्तों, सवाल को ध्यान से समझना है, ठीक है। पढ़ेंगे सवाल को, क्या दिया है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, क्या दिया दोस्तों, वर्ग दिया है, ठीक है, आयत नहीं दिया इस बार। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक भुजा से तात्पर्य क्या है दोस्तों, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। स्पष्ट दे दिया कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि जाहिर सी बात है कि वृद्धि ही होगी। पिछले सवाल में क्या दिया था कि वृद्धि या कमी होगी, तो हमें पता लगाना पड़ता है दोस्तों कि वृद्धि होगी या कमी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर आप समझिए, ये हमने ले लिया एक वर्ग। वर्ग में क्या होता है दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है, इक्वल इक्वल होती है। ये जितनी लंबाई की होगी बाकी भी उतनी ही लंबाई की होगी। अब आपको दे दिया दोस्तों कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो ये मान लेते हैं इसकी हम लंबाई, यानी कि इसमें 10% की वृद्धि कर दी है, और ये मान लेंगे चौड़ाई कि इसमें भी 10% की वृद्धि कर दी है। तो क्या करें दोस्तों, दोनों बार वृद्धि हो रही है, पहले बार कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की, ठीक है, 10% की वृद्धि हो रही। तो काय में लिखेंगे दोस्तों, इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। वृद्धि को काय से लिखते हैं हम, प्लस से लिखते हैं, प्लस 10 लिख दिया। दूसरी बार भी क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही, तो इसको भी प्लस 10 लिखेंगे। उसने दोस्तों दो बार नहीं बोला है कि लंबाई में भी वृद्धि हो रही, चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है उसने। क्या लैंग्वेज चेंज कर दी सवाल की, कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो उसका तात्पर्य यही है दोस्तों कि लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, क्लियर है। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि कर दी हमने, यहाँ पर भी 10% की वृद्धि कर दी। फिर क्या करते थे दोस्तों, इन दोनों का हम गुणा करते थे,
प्लस 10, प्लस 10 का गुणा आप करेंगे दोस्तों कितना निकल के आएगा, 10 गुणा 10 हम कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका 100। तो यहाँ काय का आएगा, 100 प्लस का आएगा, ठीक है। काय का आएगा दोस्तों, 10 गुणा 10 करेंगे तो प्लस का ही 100 आएगा, और डिवाइड काय से करना है आपको, 100 से करना है, क्लियर है दोस्तों। हर बार मैंने आपको बताया कि डिवाइड आपको 100 से ही करना है, ये 100 से दोस्तों आपका ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, एक बार। अब यहाँ से क्या बच गया दोस्तों, ऊपर से यहाँ से बचा है 10 प्लस, ये कितना बचा है यहाँ से 10 प्लस, और ये आ गया दोस्तों यहाँ से निकल के आपका 1। सिंपल साइन तीनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, 10 और 10 20, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 21%, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्लियर दोस्तों। यानी कि उसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो कितने की होगी दोस्तों, 21% की वृद्धि होगी, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसने सवाल में दोस्तों में दे दिया था कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करनी है, इसलिए हमने लंबाई में भी प्लस लिखा, क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, प्लस 10 लिखा। गुणा कर लिया दोनों का, कितना आ गया, 100 आ गया। 100 आने के बाद में डिवाइड कैसे करते हैं, 100 से करते हैं, और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 21%, क्लियर दोस्तों। तो आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ आ रहा है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। सवाल को ध्यान से पढ़े दोस्तों, क्या दिया है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। सवाल में क्या दिया गया दोस्तों, माना कि ये क्या था, एक वर्ग है, ठीक है, क्या है, ये एक वर्ग है। आपको करना क्या है, इसकी लंबाई में दोस्तों आपको करनी है 40% की वृद्धि, और इसकी चौड़ाई में दोस्तों आपको करनी है 30% की वृद्धि। तो वृद्धि करने के बाद दोस्तों क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा, ठीक है। क्या किया था हमने, इसकी जो लंबाई थी इसमें की थी 40% की वृद्धि, और इसकी जो चौड़ाई इसमें क्या करी थी 30% की वृद्धि, तो क्या बन गया दोस्तों, ये किए आयत बन गया। अब आपको बताना है कि ये जो आयत है इसके क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो क्या करते आ रहे दोस्तों, जो हमने पिछले सवाल में किया वही ट्रिक इसमें अपनाएंगे। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्या वृद्धि करना है दोस्तों, 40% की वृद्धि करना है। वृद्धि के लिए क्या करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं, प्लस 40 लिखूंगा। फिर क्या दिया है, 30% की वृद्धि, यानी कि लंबाई में 40% की वृद्धि हो गई, प्लस 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। दोनों बार वृद्धि हो रही, तो दोनों बार क्या लिखा दोस्तों हमने, प्लस लिखा, क्लियर दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का गुणा करना है। क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। गुणा दोस्तों कैसे करेंगे, यहाँ पर 40 का और 30 का गुणा हम करेंगे तो चिन्ह कौन सा निकल के आएगा, प्लस का निकल के आएगा। तो आप यहाँ कर लीजिए 40 गुणा 30, ठीक है। आप यहाँ इनका गुणा करके भी दोस्तों 120 लिख सकते हैं, क्लियर है। और भाग कैसे लगाना दोस्तों, आपको 100 से लगाना है। बार बार दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, आप भूल नहीं जाना, क्योंकि यहाँ भाग काय का लगाना है, हर बार 100 का लगाना है, ठीक है। कई बार आपको क्या याद रह जाता है कि ऊपर जितना मान आता है उसी का हमें भाग लगाना है, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है, भाग आपको हर बार 100 का ही यहाँ पर लगाना है। अब करना क्या है दोस्तों, ये 2 शून्य से आपकी ये 2 शून्य क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्लियर है। अब ऊपर से कितना बच गया दोस्तों, 40 प्लस 30 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 12, और ये जोड़ने पर निकल के आएगा दोस्तों 40 30 70, 70 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82%, और ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना अधिक होगा दोस्तों, 82% अधिक होगा, ठीक है। पहले ये वर्ग था, इसमें हमने लंबाई और चौड़ाई में 40% और 30% की वृद्धि कर दी, तो ये आयत बन गया। तो ये दोस्तों इससे कितना प्रतिशत अधिक है, ये इससे 82% इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक है, ठीक है। आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सवाल में दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्या दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको बताना है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों ये वृत्त है कोई सा, ये इसकी क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या होती है, ठीक है। क्या होती है, ये त्रिज्या होती है, इसको मैं इधर मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। सवाल में दिया है कि वृत्त की त्रिज्या में क्या करना है दोस्तों, 50% की वृद्धि करना है। यानी कि यदि मैं वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दूँ तो ये वृत्त कैसा हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन सवाल में दोस्तों ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस बार आपको एक ही क्या दे दिए दोस्तों, वृद्धि दिए, दो बार नहीं दी है, लेकिन लिखना दोस्तों आपको 2 ही बार है। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या में यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई, कितने की, 50% की। ये इसमें पूरे व्यास है दोस्तों, इसमें कितने की वृद्धि होगी, इसमें इस त्रिज्या में दोस्तों 50% की वृद्धि हुई है, तो इधर भी तो वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ये दोस्तों आप इसे फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई
आर स्क्वेयर, यही दोस्तों फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है दोस्तों, इसकी त्रिज्या होती है, इसका स्क्वेयर यदि आप करेंगे, इसका स्क्वेयर का मतलब क्या दोस्तों, ये तो होगी त्रिज्या और ये हो जाता है दोस्तों इसका पूरा व्यास, उसी का मतलब है, यानी कि हमें तो पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरी त्रिज्या को या व्यास को आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए क्या करते हैं पाई आर स्क्वेयर, ये होता है वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई गुणा आर गुणा आर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस टाइप से आपको क्या करना है दोस्तों, इस त्रिज्या को क्या लिखना है, दो बार लिखना है, दो बार इसमें वृद्धि आपको करना है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही, क्या हो रही है दोस्तों, 50% की वृद्धि हो रही, तो कैसे लिखते हैं, प्लस से लिखते हैं। फिर दोस्तों वृद्धि हो रही है वापस से 50% की, तो फिर से 50 लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों, कितनी बार लिखना है, दो बार लिखना है। क्लियर है, दो बार क्यों लिखना है आपको, मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। फिर क्या करते हैं दोस्तों, हम इनका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं और जो भी निकल के आता है उसको यहाँ लिखते हैं। गुणा कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 50 और 20 वैसी की वैसी। क्लियर दोस्तों, कितना हो गया, 50 का गुणा 50 में करेंगे दोस्तों, कितना निकल के आएगा, 2500, और भाग काय से करते हैं दोस्तों हम 100 से। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, अब सिंपल सा क्या करना है, 2 शून्य से आपकी 2 शून्य दोस्तों कैंसिल हो जाएगी, तो इधर से कितना बचा दोस्तों आपका, यहाँ से बचा है 50 प्लस ये 50 बचा है दोस्तों, प्लस यहाँ से कितना बच गया आपका, 25 बच गया। इन सभी को जोड़ ले दोस्तों, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 50 और 50 100 100 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 125%। यानी कि दोस्तों जो वृद्धि होगी वृत्त के क्षेत्रफल में वो कितने की होगी, 125% की। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या यदि आप 50% बढ़ा देंगे दोस्तों तो क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में 125% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर, तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, और दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से समझे दोस्तों। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वापस से दोस्तों वही वाला फंडा आपको यूज़ करना है, क्या दिया है, त्रिज्या में 50% की कमी हो रही, यानी कि पूरे व्यास में दोस्तों दो बार कमी होगी। त्रिज्या में 50% की कमी हो रही दोस्तों, व्यास में अगर आप कमी करेंगे तो कितने बार कमी होगी, दो बार कमी होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कितने की कमी हो रही है, 50 की, तो माइनस में लिखेंगे -50। क्लियर है, वापस से कमी होगी दोस्तों दो बार, तो क्या करेंगे, वापस से -50 लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, -50 गुणा -50 करेंगे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा में प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 50 और 20 वैसा का वैसा, यानी कि क्या निकल के आएगा दोस्तों, प्लस का निकल के आएगा 2500। कितना निकल के आएगा, प्लस का 2500, और डिवाइड कैसे करते हैं दोस्तों हम 100 से। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर अब 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, -50 और -50 कितना हो जाएगा, माइनस का 100 प्लस इधर से कितना बचा हमारा, 25 बचा। इसको जब दोस्तों आप हल करोगे, माइनस का 100 प्लस का 25 है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, -75%, और यही हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। माइनस आया, माइनस का एको डिनोट करता है दोस्तों कमी को, यानी कि क्या हो जाएगा, -75% की उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। ठीक है, क्या किया दोस्तों, उसकी त्रिज्या में 50% की कमी हो रही, तो कमी को क्या करेंगे, दो बार कम करते हैं। ठीक है, त्रिज्या अगर त्रिज्या वाली अगर कमी दी है दोस्तों, तो कितनी बार कम करना है आपको, दो बार कम करना है। क्लियर है, -50 किया, फिर से कमी हो रही थी तो -50 किया, इन दोनों का गुणा किया आपस में, कितना निकल के आया, प्लस का 2500, उसको डिवाइड किया दोस्तों 100 से, 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो गई, ये निकल के आ गया इधर से -50 और -50 हो गया 100, प्लस का इधर कितना बचा दोस्तों 25, इसको हल करेंगे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा आपका, -75%, यानी कि 75% की उसमें क्या हो जाएगी, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोस्तों कमी हो जाएगी। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, ये थे हमारे क्षेत्रफल पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हो। साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।